प्यारे गुरुजी महाराज जी का चोला चेंज करने का समय आ गया है। संगत जी, तो बहुत ही प्यारा चोला है इस बार, ग्रीन और पिंक कलर का। तो मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर कर रहे हैं गुरुजी महाराज जी का चोला चेंज। हमेशा मेरे अंकल ही करते हैं, पर आज ये सेवा गुरुजी महाराज हमसे करवा रहे हैं क्योंकि अंकल किसी काम से संगत जी बाहर गए हुए हैं। मेरी माँ शेरो वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता रानी, जय माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु जी महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। और प्यारी संगत जी, आज है मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज का जन्मदिन। जी हाँ, हमारे दाता, हमारे ईश्वर, हमारे परमेश्वर, हमारे परम पूजनीय प्यो, हमारे फादर, हमारे पापा, कुछ भी कह लीजिए इन्हें, तो आज हमारे सब चीज, हर चीज, सब कुछ प्यारे गुरु जी महाराज, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, इनका है जन्मदिन। और सुबह के 5 बज रहे हैं, और आज तो मैंने बाहर से दरवाजा खोल के रखा था कि सुबह सुबह उठते ही गुरु जी महाराज के दर्शन करूंगी, इनका चेहरा देखूंगी उठते ही। और रात भर से ये गुरु जी महाराज की ज्योतें जल रही हैं, माता रानी की ज्योत जल रही है, और बड़े ही प्यारे लगते हैं गुरु जी महाराज के ये दर्शन। जब सुबह उठ के आप ये दर्शन करते हो ज्योत के, इससे आपकी जिंदगी में संगत जी प्रकाश हो जाता है। और मैंने सोचा था कि आज मैं अमृत वेला करूंगी, पर बिना गुरु इच्छा के कुछ भी आप नहीं कर सकते। और आज है गुरु जी का जन्मदिन, तो आज का शेड्यूल हमारा बहुत ही बिजी है। हम गुरु बहनों ने भी डिसाइड किया था कि गुरु जी का सत्संग करेंगे, परंतु नहीं हो सका क्योंकि हमारी एक शीतल आंटी, हमारी गुरु बहन के घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उनके हस्बैंड में थोड़े सी अभी हेल्थ में थोड़ा सुधार धीरे धीरे हो रहा है, और पूरी तरह जब सुधार आ जाएगा उनकी हेल्थ में, तो हर दिन गुरुदिन है, हर दिन गुरुवार है, तो कभी भी गुरुजी महाराज का मिलके हम सब बहनें गुरुजी महाराज का सत्संग करेंगे। और बाकी जहाँ गुरुजी की इच्छा, वहीं पे उनका नाम लिया जाएगा, वहीं पे उनका सत्संग किया जाएगा। तो आज हमारा जो संगत जी सत्संग है, तालाब तिल्लो में है, रेणु आंटी जी के घर पे है। तो जहाँ भी आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से गुरुजी महाराज का सत्संग करते हो, उनके संग कनेक्शन बनाते हो, तो वहां भी आपको गुरुजी महाराज उतना ही ब्लेस करेंगे जितना कि आपके खुद के घरों में। तो जब शाम को मैं आऊंगी, तो उसी वक्त मैं प्यारे गुरुजी महाराज जी का केक काटूंगी, जन्मदिन का, जो खुशी में हम लोग जन्मदिन केक काट के सेलिब्रेट करते हैं, तो वो काटूंगी। और सत्संग भी अपने परिवार में लगाऊंगी ताकि पूरी परिवार वाले गुरुजी महाराज के संग बैठ के गुरुजी महाराज की लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ले सके संगत जी। तो प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के दर्शन कर लीजिए, आज है इनका हैप्पी बर्थडे। और मैंने 2-3 दिन पहले ही पूरा चोला सेट कर लिया था गुरुजी महाराज का। इस बार मैंने बहुत ही प्यारा ये पिंक कलर का और से ये ग्रीन कलर का चोला बिछाया है। तो संगत जी मुझे जरूर सुनाएं गुरु जी महाराज का ये चोला कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे गुरु जी महाराज। यूं तो हमारे हंसते मुस्कुराते गुरु जी महाराज जी पर हर कलर खिलता है, क्योंकि उसका कारण एक ही है कि हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट इनके बनी रहती है, और जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो उस पे हर चीज, हर रंग, सब कुछ खिलता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये चोला भी। तो संगत जी कमेंट सेक्शन में फिर भी आप मुझे एक बार जरूर बताएं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जल्दी जल्दी से मैं संगत जी रेडी होती हूँ। सॉरी संगत जी, रेडी नहीं, अभी तो शाम को जाना है और मैं पगला गई हूँ, रेडी नहीं होती हूँ। यानी कि बाकी घर के सारे कामकाज निपटा लेती हूँ ताकि जल्दी से सुंदर सुंदर बन के, प्यारी प्यारी बच्चियां बन के उनकी गुरु चरणों में हम हाजिरी लगा सके। क्योंकि संगत जी, यूं तो कहने के लिए 2 घंटे का सत्संग होता है, परंतु गुरु जी महाराज की इच्छा से हमें कुछ 1-2 घंटा पहले जाना पड़ता है, क्योंकि दरबार सजाना होता है, गद्दी लगानी होती है। तो प्यारे गुरु जी महाराज जी आ रहे हैं आपके बच्चे, हमें लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देना और अपनी इस सेवा से हमें कभी भी दूर नहीं करना। बाय बाय संगत जी। बट इस बाय बाय का मतलब ये नहीं है कि मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ। बाय बाय का मतलब है आप भी अगर सोए हैं तो जग जाइए, गुरु जी महाराज के साथ बातें कीजिए और ये वीडियो नेक्स्ट डे आएगी, गुरु जी के बर्थडे के दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन शूट होती है और दूसरे दिन वीडियो आती है। और भी बहुत सारी संगत की मेरे पास वीडियोज हैं जो अभी तक मैंने पोस्ट नहीं करी है, तो संगत जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सारी वीडियोज मेरे पास सेफ पड़ी हुई हैं, बहुत ही जल्द आपकी वीडियोज भी मैं डालूंगी। और बड़े प्यारे प्यारे दर्शन गुरु जी महाराज के संगतों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनके घर में लंगर प्रसाद का सेवन किया है, भोग प्रसाद को एक्सेप्ट किया है, तो वो सब भी आएगा संगत जी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारे दर्शन मैं शेयर करूंगी अपने प्यारे गुरु परिवार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, आप सबको गुरु जी महाराज के जन्मदिन की ढेरों बधाइयां, लखों बधाइयां, करोड़ों बधाइयां। प्यारी संगत जी, 7 जुलाई जाने की गुरु जी के जन्मदिन का हम सबको होता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि ये दिन होता है बहुत ही खास। इस दिन हमें इतनी खुशी मिलती है, हमारे इतने प्यारे गुरु जी, हमारे इतने क्या बोलूं कि एक ऐसे हमारे पिताजी, ऐसे हमारे परमेश्वर जो हमारी हर पल हर इच्छा को पूरी करते हैं, चुटकियों में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो उनका जन्मदिन आज है तो क्यों ना खुशी मनाई जाए संगत जी। तो सारी जगह पे उनके नाम की धूम धड़ाके चल रहे हैं। आंटी जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी आज टिमसी के घर में बिल्कुल शांत सा माहौल है, क्योंकि टिमसी आंटी अभी तक नहीं आई है, वो वहीं पे है अपने, तो टिकट्स नहीं हो रही एक्चुअली उनकी, तो नहीं तो वो आ जाती। तो संगत जी ये है हमारी मम्मी जी, मम्मी जी जो कि गुरु जी महाराज के संग और अपने बेटे के संग यहाँ पे रह रही हैं। तो आंटी जी लोग तंग करते होंगे, आ रही होंगे संगत? आ रही है संगत। तो कहीं ना कहीं संगत जी मुश्किल हो जाता है 3rd फ्लोर से नीचे आके संगत को भी देखना, तो इसीलिए मैं आज आप सबके लिए गुरु जी के जन्मदिन वाले खास दिन में आप सबके लिए गुरु जी के दर्शन लेके आ रही हूँ। तो देखिए नतमस्तक होइए, प्यारे गुरु जी महाराज जी के दर्शन कीजिए, गुरु जी महाराज जी की लीलाएं देखिए। आंटी जी शायद वर्षा वगैरह फिर हुई, वो थोड़ी सी एक बार हुई थी, थोड़ी सी हुई थी उसके बाद में। हाँ, लेकिन इस बार सब रूप पे है, मैं अभी संगत को भी दिखाती हूँ। तो आपका भी मन लग रहा है, रोनके लगी हुई थी। फर्क पड़ता है ना आने जाने से, बहुत मन अकेले अगर कोई भी नहीं। हाँ अकेले मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी आजकल माहौल नहीं है, आते हैं रात को 7-6 बजे आते हैं, 7 बजे मैं दरवाजे नहीं खोलती, कोई भी नहीं आता है। हाँ। फिर 2 बजे उतर के आना मेरे लिए दिक्कत मुश्किल हो जाता है। और मैं भी आज आई हूँ क्योंकि आज बस इच्छा हो रही थी गुरुजी से मिलने की, कि गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी तो वैसे यूं तो संगत जी सभी के घरों में, आपके घरों में भी है, मेरे घर में भी है, यहाँ भी है, लेकिन एक मन में इच्छा होती है कि जहाँ गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं तो उस घर के दर्शन क्यों ना कराए जाए अपनी प्यारी संगत को। तो संगत जी मैं कैमरा मूव करती हूँ, गुरुजी के दर्शन कराती हूँ। PY happy BIRTHDAY birthday गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, आपको लख लख बधाइयां गुरु जी आपके जन्मदिन की। तो प्यारे गुरु जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े खुश हो रहे संगत जी, और ये वाला जो स्वरूप है ना, इसमें अंदर से अमृत वर्षा हुई है संगत जी, ये देखिए पूरे स्वरूप में अंदर से अमृत वर्षा हुई है। गुरु जी के दर्शन कीजिए संगत जी, प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी हमारे मुस्कुराते हुए हर स्वरूप में आपको मुस्कुराते हंसते खेलते गुरु जी महाराज दिखेंगे। और इनकी मुस्कुराहट जो है संगत जी, एक हमारे अंदर एक शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, और जिंदगी में तमाम रोग बीमारियां कष्टों से हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं गुरु जी। तो ये सारा स्वरूप, आंटी गिल्ला हो गया, ये वही स्वरूप है ना, यो ये वाले स्वरूप में से गुम हो गया था है ना। तो संगत जी जब ये वाला, ये जो स्वरूप है, ये वाले स्वरूप में से अचानक ही गायब हो गया, और फिर उसकी जगह ये रुद्राक्ष आ गए थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि गुरु जी चले गए, संगत जी गुरु जी कहीं नहीं जाते, गुरु जी सबसे पहले दिलों में बसते हैं, दिलों में अगर आपके हैं तो वो कहीं नहीं
जाते। और जब गुरुजी का ये सब रूप कुछ दिनों के लिए पता नहीं अब गुरुजी क्यों कहां किस लिए गए थे, तो ये अपनी निशानियां छोड़ गए थे रुद्राक्ष, जो कि आज तक इसमें है। अगर मैं शीट नीचे करूं तो उसके नीचे और भी रुद्राक्ष है, पर मेरी हाइट संगत जी इतनी नहीं है, मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगी। तो फिर कुछ दिनों बाद ये सब रूप आ गया था, जिसमें कि भर भर के जल वर्षा हुई है और पूरा सब रूप संगत जी ये देखिए नीचे से भीगा हुआ है। और ये गुरु जी के जन्मदिन पे खास दर्शन है आप सबके लिए। तो आंटी जी, कल सजा गए थे बिरभू मंदिर, है ना, गुरु जी का दरबार, तो बड़े प्यारे गुरुजी मनमोहक से मुस्कुराते हुए संगत जी दर्शन कर लीजिए प्यारे गुरुजी महाराज जी के। मैंने घर के भी दर्शन डाले हैं, ये टिमसी आंटी के घर के दर्शन है, और जहाँ गुरुजी हो तो वहाँ हमारी महामाई माता रानी हमेशा अंग संग होती है। जयकारा मेरी माँ शेरो वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरी बाबे वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये वही जुत्ती है गुरु जी महाराज की जो अपने आप आई थी यहाँ पे, अपने आप आ गई थी जो जुत्ती, और हम देख के हैरान हो गए थे संगत जी। तो गुरु जी महाराज के दर्शन है ये, और ये वाले सब रूप पे भी पूरे अंदर से गिले गिले से ऐसे डॉट्स डॉट्स हो गए हैं संगत जी। ये देखिए कितना मॉइस्चर आ गया है, और ये लैमिनेटेड है संगत जी, ये सब रूप लैमिनेटेड है और कितना मॉइस्चर है। तो बड़े प्यारे प्यारे दर्शन है गुरु जी महाराज जी के संगत जी, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो प्यारी संगत जी, ये कभी मत सोचिएगा कि ज्यादा संगत नहीं है तो गुरु जी की हाजिरी नहीं लगेगी, भाई हम माँ बेटी भी हाजिरी लगा सकते हैं। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारे गुरु जी महाराज, जितनी भी संगत आपको देख रही है, सभी की झोलियां खुशियों से भरना, अपने बच्चों के सिर पे हमेशा आशीर्वाद रखना, हम मूर्ख है ज्ञानी। तो संगत जी, ये दर्शन थे मैं आपको दिखाने आई थी, और इसके बाद अब मैं जल्दी से घर जाके रेडी हो रही हूँ, क्योंकि सत्संग है हमारा आज तालाब तिल्लो में रेनू आंटी जी के घर पे। तो चलिए वहां भी जाके मिलते हैं। जय गुरु जी। तो जगह जगह गुरु जी के नाम के लग रहे हैं जयकारे, गुरु जी के नाम के लग रहे हैं लंगर। तो ये जो वीडियो है संगत जी, ये है हमारे सोनी अंकल के दुकान की वीडियो, जहाँ उन्होंने आज गुरुजी महाराज के नाम का लंगर लगाया हुआ है, और जो भी इस ब्लेस्ड लंगर प्रसाद को खाएगा तो उसकी सारी रोग बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। सब अपने अपने तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सबको बधाई हो प्यारे गुरुजी महाराज की। जन्मदिन की धूम चारों ओर मची हुई है, सब अपनी खुशी श्रद्धा अनुसार गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यारे गुरुजी महाराज, आज का दिन है ही बड़ा लक्की हम सबके लिए, जो आप हम सबकी ज़िंदगियों में आए, हम सबको आपने बप सागर से तार दिया है गुरुजी महाराज, हमारे सारे कष्टों को हर दिया है, सुखों की खान बख्श दी है, और हमें जीना सिखा दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना।